हाँ गौरव जी, हाँ कैसे हैं? हमारे पास भिरनी सरिया के एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आए हैं, आपके स्वास्थ्यकर्मी गण हैं जो शायद आपके ही कंपनी के अंतर्गत कार्यरत हैं। पूरा शिष्टमंडल ही है आपका, 150-200 की संख्या में है, पूरा टीम ही आया हुआ है भिरनी से। तो इनकी शिकायत है कि वेतन को लेकर। अच्छा नहीं देखिए, पहला बात है कि चलिए अभी तो आप तर्क दे रहे हैं कि आचार संहिता का मामला है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि विगत 2 वर्षों से इनके साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। देखिए स्वास्थ्यकर्मी जो होते हैं, देखिए आउटसोर्सिंग जो भी स्थिति है ठीक है, लेकिन बाकी आप ये जानते हैं कि जो भी लोग आपके संस्था से जुड़े हैं सभी ग्रामीण परिवार के हैं, और महिलाएं इसीलिए घर से बाहर निकली हैं कि उस घर की स्थिति ठीक नहीं है। अगर 2 पैसा कमाने का होता तो हमारे झारखंड की महिलाएं बाहर नहीं निकलती, इस चीज को समझिए। और हम तो यही चाहेंगे कि इनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, और हम लोग को कोई क्विक एक्शन। तो आप अगर गिरिडीह का है तो हम उम्मीद करते हैं गिरिडीह की बेटियों के दर्द को आप समझिएगा। आज इनके चेहरे पे एक चिंता का भाव दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इनके साथ क्या कोई अनहोनी घटना घटी है, तो समझिए चीजों को। देखिए हम आशा करते हैं कि मैंने दोबारा आपको हमें टेलीफोन करने की आवश्यकता ना पड़े। इनका जो प्रतिनिधिमंडल शिष्टमंडल है इनसे आप बैठ लीजिए या फिर मिलते हैं, जो भी करते हैं मैंने पॉजिटिव सकारात्मक पहल हो, बिना कोई आंदोलन बिना कोई अनशन ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। हम लोग चाहते हैं अगर आप गिरिडीह के हैं तो ये लोग भी गिरिडीह की बेटियां हैं, गिरिडीह के भाई हैं, इनके साथ न्याय हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, बाकी आपको शुभकामनाएं।